काफी हैरानी होगी कि आज इस देश के आधी आबादी जिसको हम दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं, कभी लक्ष्मी के रूप में हम पूजा करते हैं तो कभी सरस्वती के रूप में पूजा करते हैं, वही देवी हमारी माता होती है, वही देवी हमारी बहन होती है, वही हमारी देवी दादी होती है, वही देवी हमारी नानी होती है, वही देवी हमारी बुआ और मौसी होती है। लेकिन आज इस स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नारी अपनी इज्जत की भीख मांगती है, अपनी इज्जत का इस लोकतंत्र में जहां 70 वर्ष हो गए आजाद भारत के हुए, अपनी जान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए और इज्जत आबरू बचाने के लिए सरकार से भिक्षा मांग रही है। लेकिन जब यह नारी जब अपनी इज्जत की बात करती है, जब अपने सम्मान की बात करती है, तो यह सरकार कहता है कि मैंने तो 370 दे दिया, मैंने तो 3 तलाक जैसे एक्ट बना दिया, मैंने पाकिस्तान को तो 200 रुपए टमाटर बेचवा दिया, अरे मुझे पाकिस्तान को 600 रुपए टमाटर हो जाए, इस भारत को उससे क्या मतलब है, मुझे राम के उस मंदिर से क्या मतलब है जो सचमुच जो राम है, जो राम ने जंगल बनाया, जमीन बनाया, ताल बनाया, तलैया बनाया, गली बनाया, नली बनाया और इतना तक वह राम ने सचमुच मेरे नंगे में जो जूता है उसका निर्माण किया, वह तो झोपड़ियों में निवास करता है मेरा राम, तो जो जो ओरिजिनल राम है उसका सम्मान की हम बात करते हैं, उसका घर होना चाहिए, उसका मंदिर होना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। जिस राम की जो पत्नी थी सीता, वो सचमुच सच्चाई के लिए अपने कुल और खलदान के इज्जत के लिए और अपने पति और अपने ससुर और सास की वचन को पालते हुए वो जंगल की ओर चली जाती है वो सीता। लेकिन वो आज हमारी हजारों सीता, एक सीता का जब अपहरण हुआ, जब एक सीता का अपमान हुआ तो लंका का विनाश हुआ, लेकिन आए दिन 20 मिनट में एक सीता सावित्री का यहाँ हत्या होता है, उसका बलात्कार होता है। लेकिन ऐसे कानून नहीं, जब से यह बीजेपी की सरकार हुआ है, राम रहीम कहीं पैदा होता है तो कहीं आसाराम बापू पैदा लेता है तो कहीं नारायण स्वामी पैदा लेता है और सैकड़ों के संख्या में बीजेपी के मंत्रिमंडल और उसका पूर्व सांसद तेल मालिश करवाता है। इसके शासन काल में, इसके शासन काल में इस देश के देवी रूपी देवता रूपी महिलाओं का घोर अपमान हुआ है, उसके अस्मत लूटी गई है और इस पर जो है सो इस अपमान की बदला अब लेने के लिए उस नारी के सम्मान में राहुल जी जैसे नौजवानों ने बिरा थाम लिया है, लाल बाबू प्रसाद यादव जैसे लोगों ने बिरा थाम लिया है और सैकड़ों बैकुंठपुर के नौजवान ने कह दिया है कि कोरोना अपमान नारी का, अब नारी भी जाग उठी है और अपने अपमान की बदला लेने खातिर अब बैकुंठपुर के नौजवान भी अब आंदोलन को थाम रखा है। बंधुओं, सच्चाई है कि आज नारी अगर न होते, अगर आधी आबादी न होती तो हम पैदा नहीं होते, यह संसार नहीं होता, यह दुनिया नहीं होता, यह जल नहीं होता, यह जंगल नहीं होता, यह जमीन नहीं होता। आखिर नारी बताइए, नारी कितना दर्द सहती है, कितना परेशान होती है, अगर ये नारी, ये माता अगर आज हम सबों के बीच न हो तो हम कहाँ होंगे। इसलिए इस आबादी को, इस आधी आबादी को हम नमन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं कि यह आधी आबादी अपनी आबरू के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने हक के लिए, क्या मुझे स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के बाद भी इस देश की जहाँ महिलाओं के नाम पर हम दशहरा मनाते हैं कि मैं देवी 10 दिनों का उपवास होता है, लेकिन क्या केवल दिखाने के लिए? और नारियों पर संकट आ गया है, नारी अपनी सम्मान की भीख मांगती है, नारी अपनी प्रतिष्ठा की भीख मांगती है, ये सरकार मुझे न्याय दो, मुझे हक दो, क्या मुझे जीने का अधिकार है कि नहीं?
तो इसलिए आप सभी बैकुंठपुर के लोग नौजवानों ने यह तय किया है, किसान मजदूरों ने तय किया है कि क्या हम सबों को इज्जत के साथ, क्या प्रतिष्ठा के साथ, इस देश स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के कारण हमको जीने का अधिकार है कि नहीं, हमको सम्मान के साथ रहने का अधिकार है कि नहीं। यह बैकुंठपुर ने अंगड़ाई लिया है, आगे लंबी लड़ाई होगी। इसी शब्दों के साथ हम सबको आदाब सलाम प्रणाम निवेदित करते हुए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहेंगे कि आज बैकुंठपुर नागरिक सुरक्षा मंच युवा छात्र संगठन के हमारे साथियों के द्वारा यह आज इस बैकुंठपुर के इस धरती से, ऐतिहासिक स्थल से, जहां मरने के बाद लोग बैकुंठ होते हैं लेकिन जिंदा हम लोग अपने आप को स्वर्ग में पाते हैं अगर होते हैं, इसलिए बैकुंठपुर भी कोई भी जोर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी अनाचार अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा और उस नारी के सम्मान में बैकुंठपुर के नौजवान मैदान में इसलिए कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नारी के सम्मान में हम चले मैदान में, 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 नारी के सम्मान में हम चले मैदान में। प्रियंका रेड्डी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नारी को सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। सरकार प्रियंका रेड्डी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अत्याचार बंद हो, बंद हो, बंद हो। दुष्कर्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारी का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। नारी का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। दुष्कर्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारी के सम्मान में हम चले मैदान में, नारी के सम्मान में हम चले मैदान में। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी अमर रहे, अमर रहे। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दुष्कर्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी अमर रहे, अमर रहे।